रानी अवंतीबाई चौक का चौड़ीकरण होने के बाद से चौक दुर्घटनाओं का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। चौक के चारों ओर से आवाजाही करते वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी कर दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। सभी वाहन चालक शीघ्र चौक पार करने की होड़ में एक दूसरे से टकरा रहे हैं या टकराते बच रहे हैं। चौक में शाम को स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। पूर्व में वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन कराने ट्रैफिक कर्मचारियों को तैनात किया गया था, उन्हें हटा दिया गया है, जिससे वाहन चालक लापरवाही बरतते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। रानी अवंतीबाई चौक का चौड़ीकरण होने के बाद से यह चौक जो है दुर्घटनाओं का केंद्र बिंदु बनते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से आवाजाही करते वाहन चालक से अपनी आगे निकलने की होड़ में किसी तरह के यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से इस तरह की जाम की स्थिति बने रहती है। स्थिति यहाँ पर शाम के समय और भी भयानक खतरनाक हो जाती है, क्योंकि यह यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने यातायात विभाग और किसी कर्मचारी की तैनाती नहीं की गई। लोग अपनी मनमर्जी से चौराहों को पार करते हैं, सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में। इसकी वजह से यहाँ पूर्व में एक दो बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कुछ एक दो लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। इसके बावजूद यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने किसी तरह पहल नहीं की गई। दुर्घटनाओं के बाद ही यातायात पुलिस की नींद खुलती है और इस स्थानों पर आकर के डिवाइडर वगैरह लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस नज़र आती। कुछ दिनों तक जरूर आता है, कर्मियों को तैनात किया जाता है, लेकिन उसके बाद से स्थिति को फिर खतरनाक हो जाती है। इस चौक के चौड़ीकरण की मांग हालांकि लंबे वक्त से की जा रही है, जो पूरी हो चुकी है, लेकिन यातायात को व्यवस्थित करने किसी तरह की पहल नहीं की जा रही है। शाम के समय विशेषकर रात के समय लोग मनमाने ढंग से चौराहों को पार करके दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। किसी तरह की बड़ी अनहोनी इस रानी अवंतीबाई चौक में फिर से घटित हो, इसके पूर्व यातायात विभाग और नगर निगम प्रशासन को इस पर संज्ञान लेते हुए यातायात व्यवस्था को रानी अवंतीबाई चौक में नियंत्रित करने तत्काल पहल किए जाने की जरूरत है। लैंड एशिया न्यूज़ के लिए अभिषेक के साथ संजय दुबे।